नर्सिंग घोटाला, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर इंदौर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की छात्र अधिकार यात्रा जैसे ही भोपाल पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सज्जन सिंह वर्मा की दहाड़ के बाद यात्रा राजभवन पहुंची और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। देखिए खास रिपोर्ट। नर्सिंग घोटाला, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस आक्रोश में है। इंदौर से युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता छात्रों के हित में छात्र अधिकार यात्रा निकालते हुए पैदल भोपाल पहुंचे, लेकिन यात्रा ने जैसे ही भोपाल में दस्तक दी तो खजूरिया इलाके में पुलिस प्रशासन ने यात्रा को रोक दिया। जब इस बात की खबर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को लगी तो वे तत्काल अपनी टीम को लेकर खजूरिया पहुंचे और पुनः यात्रा को शुरू कर पाया। इसके बाद यूथ कांग्रेस ने राजभवन पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है, अगर लिया भी जा रहा है तो इस मामले को दबाने का पूरा भरकर प्रयास किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय में नीट मामले में लंबित प्रकरण और उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश के कारण के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में बना रखा है। ऐसे में नीट एग्जाम की काउंसिलिंग को रोका जा रहा, सुबह नीट एग्जाम कराई जा रहा, दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। आपसे विनय मांग रहा है कि मध्य प्रदेश में पहले भी व्यापक घोटाले में अग्रणी जहां आया, मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री चौहान के कार्यकाल में कोरोना काल में जब देश में महामारी से शुरू हुआ था उस दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग द्वारा ऐसे कई अपात्र नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई। बिना पात्रता के कई विद्यार्थियों को नर्सिंग में एग्जाम में बिना उपस्थित हुए डिग्री प्रदान की गई। कॉलेज को मान्यता देने का बड़ा खेल मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग द्वारा किया गया। सीबीआई जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी न तो मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया जा रहा है, न पात्र छात्रों को न्याय मिल पा रहा है। इसी तरह इंदौर शहर में डीबीएल विद्यालय में एनडीए के पेपर भी होते हैं, रद्द किए जाते हैं, जिसकी जांच में दोषी कॉलेज संचालक अक्षय बम के खिलाफ दिल्ली अन्य विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह तीनों ही विषय निश्चय की बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इंदौर से भोपाल तक माननीय राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए पैदल यात्रा करते हुए लाखों छात्रों के भविष्य के लिए, देश और प्रदेश और शहर के विद्यार्थियों के मान सम्मान के लिए, उनके जीवन में आए अंधकार को दूर करने के लिए आपके समक्ष ये मांग पत्र ज्ञापन के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। निश्चित आप उम्मीद है आप इस देश के विद्यार्थियों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को उचित निर्देश प्रदान करेंगे। मैं आपको ज्ञापन जो है हमने बता दें कि युवक कांग्रेस की यात्रा युवा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष निखिल वर्मा के नेतृत्व में 12 जुलाई को इंदौर से प्रारंभ हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।